तो गाइस कैसे हो आप सारे के सारे। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ इंडियन वॉइस लॉस्ट नेपाल के अंदर। और हमारा तो न्यू इंस्टाग्राम भी है, आप फॉलो कर सकते हो, ये रहा इंस्टाग्राम। और दूसरी बात बता दूं मैं, हम रिएक्शन देने जा रहे हैं आज, जो कि है सती देवी। आपको पता है सती देवी का मतलब? एक सती माता होते हैं वो, ठीक है, नहीं पहले पार्वती माता कहते थे जैसे, तो पहले सती था नाम जैसे उनका, शायद मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं मतलब जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। तो सती देवी है, तो देवी तो माता ही होती है। चलो देखेंगे कैसे, ऑफिशियल टीजर है ये, मनिका महात है इनके अंदर, हर्षिका है, बहुत सारे हैं, चलो देख ही लेते हैं। 1 2 3 एंड प्ले। OSR डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन। ये जो मनिका टीजर है, ये ट्रेलर आता है उसका छोटा हिस्सा। नाम सती देवी अधिकारी, उमेर 19, होलिया जाद्रै राम्री आम। ला यस्तो त कहाँ रुलेस, एकचोटि पढि त हेर, पुरा जवानी निस्किन्छ। पढ्नु पर्दैन भने आन, मैले पहिले झन् पढ्थे दुनियाँलाई, रमी त देखाउँथे नखर माउली फुलङ्गार्ने एउटा छोरो पाउन सकिने छैन तैँले। यस पानी पनि छोरो भएन भने तेरो बाले मलाई मार्छ। काजीबा 10,000 दिनुस् त। मैले तँलाई धेरै दिइसकेँ, अब हाम्रो कारोबार मिलाउनु पर्ला, नत्र यो कौडे काजीले जाति मान्दैन। तिमीले त कौडे काजीकोमा लोत हार्यौ रे नि, फेरि पनि तिम्रो छोरी नै हुने हो। फेरि पनि हुन्छस्, यो ढुङ्गा हाम्रो बालाइकुटी दिने कुकुरहरूको टाउको टाउकोमा लागोस्। जुनी त यस्तै हो, अर्को जुनी दिन्छौ भने हे ईश्वर मलाई छोरो बनाइदेऊ, म मेरो बाबाआमाको खुसी भन्न चाहन्छु। ए मैले यहाँ पनि यता छोरो जन्मेको खबर सुनेदेखि मुखा एक थोप हाले है, असल पाउ बढ्नु परेन। 4 गते न्वारनको सबैलाई चुली निम्त गरे है त। और जैसे कि हमारे स्पेशली साउथ एशिया के अंदर, वैसे तो सब जगह होता है, हम साउथ एशिया ना, तो साउथ एशिया की बात ही करेंगे हम, तो श्रीलंका भी साउथ एशिया में आता है, पर हमारे देश में लड़कियों को ऐसे नहीं करते। करते तो कहीं पे भी नहीं, पर मूवी में दिखाया जा रहा है ना पिछोकर पहले जैसे करते थे, ठीक है, ऐसे संभालना चाहिए। और दूसरी बात ऐसे है कि वो कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने यार लड़का बना दो, क्यों ऐसे, मतलब वो भी वैसे सुना रहा है ना, उसका डैडी भी नशे में सारा पैसा उड़ा दिया, लोगों से ऐसे कर्जा ले लिया। हाँ तो फिर भी काम नहीं किया, ऐसे पैसे उधार मांग लिए, तो उसके बाद उतारने की बारी आई, तो सारा गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर उतार रहे हैं। और पता नहीं क्यों आजकल के ज़माने में भी लड़की लड़का देखते हैं लोग, मानो चाहे ना मानो, अब कम है क्योंकि लड़कियों को जॉब मिलती है, लड़कियों को ही सब कुछ है, पहले तो डाउरी देनी पड़ती थी, अब लड़के डाउरी देते हैं। ज्यादा लड़कियों के दिमाग बहुत अच्छा है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस मैं तो यही कहूंगा, अगर आप न्यू हो तो ओरिजिनल वीडियो को देखना पहले तो मत भूलिएगा, और उसके बाद हम ऑलवेज ऑसम रिएक्शन बनाते रहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट करो कि कौन सी वीडियो बनाए। और इस टीजर की बात करूँ तो सच में देखने का मन है, कब रिलीज होगी आप जब इस कमेंट में बताइए।
जब भी रिलीज होगी आपका ये पहला फंक्शन हमें बताओ, हम उसके ऊपर भी रिएक्शन बना देंगे। और रिएक्शन की तो जरूरत नहीं, पहले हम एंजॉय करना है यार, मतलब उस रियल देखना है। अगर हम रिएक्शन बनाने लग जाऊंगा ना मूवी पे, हमारा ध्यान इधर होगा, मतलब ज़्यादा मूवी की इधर देखेंगे, इधर देखें तो कॉपी राइट वाले ऐसे ऐसे आ जाएंगे, इससे अच्छा हम मूवी ही देखेंगे। आप हमें मूवी बता दो, और कोई और मूवी बताओ, घोस्ट वाली मूवी मेरी वाइफ वाइफ देखना बहुत पसंद है, तो नेपाल की सबसे डेंजरस घोस्ट मूवी बताइए एक मिनट के अंदर, तो वो हम देखेंगे। और आप बताओ सब कुछ, बाय बाय, थैंक यू। ओ अब लाइट आ गई।